नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की तरफ से आने वाली टाटा ACV इलेक्ट्रिक के यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या क्या है, आपको लेने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी कैसी, सेफ्टी फीचर्स कौन से दिए गए, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई। और आपको पता है जब आप इलेक्ट्रिक गाड़ी रहते हो तो आपको रेंज एंग्जाइटी रहती है कि गाड़ी की बैटरी चार्ज करने के बाद रेंज आपको कम मिलती है, थोड़ी बहुत कंपनी ने जो बताई उतनी मिलती नहीं, तो उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले। फाइनेंस ऑप्शन क्या होने वाले, कौन कौन से फाइनेंस ऑप्शन इस गाड़ी पे अवेलेबल है, ऐसी सभी जानकारी जो आज के इस वीडियो में हिंदी में देखने वाले। तो पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसे लगने वाले है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते। तो चलिए दोस्तों, फटाफट ये वीडियो अपना टाटा ACV का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की तरफ से आने वाली ACV इलेक्ट्रिक में आपको यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है, यूनिक फीचर जो है, आपको कौन कौन से दिए गए वो हम एक एक करके जानते हैं। इस गाड़ी का लुक जो है काफ़ी अच्छा लगता है और कंपनी ने इस गाड़ी का लुक जो अपना छोटा हाथी जो गाड़ी इस गोल्ड पेट्रोल डीजल और CNG में जो वेरियंट आता है उसका लुक जो कंपनी ने रखा है। उसी के साथ दोस्तों, इस गाड़ी में मेन फीचर जो है वो सबसे हाईलाइटिंग फीचर जो है आपको रेंज, इस गाड़ी की रेंज जो है वो 150 किलोमीटर, इतनी गाड़ी की रेंज आपको देखने को मिलती है। और गाड़ी में दूसरी बात बताई जाए तो यहाँ पे इस गाड़ी में सबसे बढ़िया और बड़ी साइज की बैटरी जो दी गई, जो कि 21.3 किलोवाट की लिथियम फेरोफास्फेट बैटरी है, जो कि IP67 रेटिंग के साथ आते हैं, ताकि आप गाड़ी बारिश के समय में चलाते हो तो आपको कोई भी दिक्कत बैटरी के साथ आने वाली नहीं है। उसी के साथ दोस्तों, इस गाड़ी के बैटरी की वारंटी की बात करो तो बैटरी के ऊपर वारंटी जो है वो 7 साल या 1.75 लाख किलोमीटर, इतनी वारंटी जो है वो बैटरी के ऊपर आपको मिलती है। व्हीकल के ऊपर वारंटी जो है वो 3 साल की देखने को मिलती है। उसी के साथ अगला पॉइंट जो है दोस्तों, इस गाड़ी का डिजिटल स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर काफ़ी ब्राइट देखने को मिलता है और सभी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पे काफ़ी बढ़िया तरीके से देखने को मिलते हैं। वहाँ पे आपको न्यूट्रल का इंडिकेशन, ड्राइव का मोड जो आपने सेलेक्ट किया तो वो भी आपको इंडिकेशन वहाँ पे देखने को मिलता है। बैटरी कितने परसेंट चार्ज है और डिस्टेंस टू एम्प्टी, मतलब गाड़ी कितने किलोमीटर तक जा सकती है, अगर आपकी गाड़ी की बैटरी जो है वो 100% चार्ज है तो 100% चार्ज में गाड़ी की बैटरी कितने परसेंट चल सकती है, गाड़ी कितने किलोमीटर तक चल सकती है, ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे स्पीडोमीटर के ऊपर देखने को मिलता है। अगली बात दोस्तों, इस गाड़ी का पेलोड कैपेसिटी जो आपको 600 किलो इतना मिलता है और कार्गो बॉडी जो काफ़ी बड़ी साइज की दी गई, कि लंबाई जो ये कार्गो बॉडी की 6 फीट 1 इंच इतनी है और चौड़ाई जो इस इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कार्गो बॉडी उसका चौड़ाई जो वो 4 फीट 10 इंच इतना है, और पीछे का जो कार्गो बॉडी काफ़ी बड़ा साइज का और एल्यूमिनियम बॉडी में दी गई जो कि लाइट वेट है, ये काफ़ी अच्छी बात है इस ACV इलेक्ट्रिक में। टायर साइज भी काफ़ी बढ़िया साइज का दिया है, 13 इंच का आपको टायर फ्रंट और रियर का मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक दिए गए, रियर में आपको ड्रम ब्रेक का यूज जो है गाड़ी में किया गया है। उसी के साथ दोस्तों, इस गाड़ी की जो पावर फिगर है वो आपको मैं अभी बताता हूँ। गाड़ी का जो पावर फिगर है वो 36 BHP पावर प्रोड्यूस करती है मोटर, इसी इंडक्शन मोटर इस गाड़ी में यूज की गई। और टॉर्क की बात करें तो 130 Nm इतना टॉर्क जो है ये गाड़ी में जो मोटर दी गई वो जनरेट करती है। और ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है इसीलिए आपको मेंटेनेंस का कोई इशू नहीं है, इंजन नहीं है इस गाड़ी में, ताकि आपको मेंटेनेंस, ये गाड़ी जो है वो आपको जीरो मेंटेनेंस देखने को मिलती है। और सर्विस जो है, टाटा मोटर का सर्विस नेटवर्क जो पूरे भारत में हर जगह अवेलेबल है, ताकि आप आसानी से इस गाड़ी की सर्विस जो है कर सकते हैं। और इस गाड़ी में इंजन नहीं है इसलिए आपको कोई भी नॉइज जो है वो, आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं देगी। और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली गाड़ी जो है टाटा मोटर्स ने एस सीरीज में लाई है। और दोस्तों, टाटा मोटर का जो भरोसा है वो 17 साल से ये एस सीरीज जो है मार्केट में आपको देखने को मिलती है। और ये गाड़ी एस जो छोटा आती हम बोलते हैं, ये आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और सबसे ज़्यादा सेलिंग पॉइंट जो इस गाड़ी का जो है वो फ्रंट का लुक दिखने में मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। उसी के साथ इस गाड़ी के जो स्पेयर पार्ट है वो आपको 24/7 अवेलेबल है, ताकि आपकी गाड़ी मेंटेनेंस में अगर सर्विस में जाएगी, अगर कोई पार्ट का इश्यू होगा तो आप जल्द से जल्द स्पेयर पार्ट जो टाटा मोटर के वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। उसी के साथ दोस्तों, इस गाड़ी में फ्लिट एज ऐप जो टेक्नोलॉजी वो दी गई, उस फ्लिट एज ऐप में आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है। व्हीकल आप ट्रैक कर सकते हैं, गाड़ी आपकी एग्जैक्ट लोकेशन में कहाँ पे वो देख सकते हैं, और फ्लिट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो फ्लिट एज ऐप में आप देख सकते हैं। और बहुत सारी जानकारी जो आपको टेलीमेटिक्स हो गया, व्हीकल ट्रैकिंग हो गया, जियो फेंसिंग जैसे बहुत सारे फीचर आपको टेलीमेटिक जो है इस गाड़ी में दिए हैं। उसके बाद दोस्तों, ये जो गाड़ी है आप क्यों ले सकते हैं और
कहाँ यूज कर सकते हैं। अगर आप सिटी में इस गाड़ी का यूज करना चाहते हैं, जो कि ई कॉमर्स बिजनेस, लॉजिस्टिक, पार्सल कुरियर, ऐसे बहुत सारे जगह ये गाड़ी जो है आप यूज कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो कमा सकते हैं। आपको इस गाड़ी में इंजन नहीं है, इसलिए आपको ये गाड़ी जो है मेंटेनेंस फ्री है, ताकि आपको मेंटेनेंस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रेंज भी काफ़ी अच्छी दी गई है, और सबसे बढ़िया बात फाइनेंस की किया जाए तो इस गाड़ी के ऊपर सभी जो फाइनेंस है, HDFC, SBI, चोलामंडलम, ऐसे बहुत सारे जो फाइनेंस ऑप्शन है आपको देखने मिलता है। और EMI टेन्योर जो आपको 4 साल, 5 साल, 6 साल, ऐसा ऑप्शन भी इस गाड़ी के साथ अवेलेबल है। तो आप नज़दीकी टाटा मोटर की डीलरशिप पे जाके भी विजिट कर सकते हैं, और ये गाड़ी मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। दोस्तों, टाटा मोटर की बिल्ड क्वालिटी गाड़ियों की कैसे हो आपको भी पता है, बिल्ड क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज कभी भी टाटा मोटर्स करती नहीं है। और टाटा मोटर का सर्विस नेटवर्क काफ़ी जगह अवेलेबल है भारत में, पूरे जहाँ पर भी आप जाओगे वहाँ पे डीलर नेटवर्क का सर्विस नेटवर्क है, इसीलिए आप आसानी से इस गाड़ी की सर्विस भी कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे फीचर जो इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है। उसके साथ दोस्तों, हमने टाटा ACV इलेक्ट्रिक का रेंज टेस्ट भी किया था, और उस वीडियो में हमें इस गाड़ी की जो रेंज मिली है, रियल टाइम रियल वर्ल्ड रेंज जो इस टाटा ACV इलेक्ट्रिक की 130 से 140 किलोमीटर के बीच में हमें रेंज टेस्ट मिले। सर्टिफाइड रेंज जो है वो 154 किलोमीटर इतनी है, और रनिंग कॉस्ट के बारे में बात करूँ तो 1 रुपया पर किलोमीटर इतना गाड़ी का रनिंग कॉस्ट है, जो कि EV में काफ़ी बढ़िया है। जब आप टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के कंपैरिजन में देखते हो तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ये गाड़ी आपको कमा के दे सकती है, आपका बिजनेस जो हो इस गाड़ी की मदद से आप ग्रो कर सकते। उसी ट्री जो है काफ़ी अच्छी खासी दी गई। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी अच्छा है, लिक्विड कूलिंग के साथ आती है, और कंटेनर जो कार्गो बॉडी जो एल्युमिनियम कंटेनर है, रस्ट फ्री है और लाइट वेट है, ताकि रेंज आपको काफ़ी अच्छी मिल सके। फास्ट चार्जिंग और स्लो चार्जिंग दोनों ऑप्शन मिलते हैं। फास्ट चार्जिंग में आप 0 से 80% गाड़ी की जो बैटरी है वो 105 मिनट में चार्ज कर सकते हैं। स्लो चार्जिंग से आपको बैटरी जो है वो गाड़ी की चार्ज करने में 6 से 7 घंटे लग सकते। उसी के साथ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँ तो इस टाटा ACV इलेक्ट्रिक में फ्लिटेज का टेक्नोलॉजी फीचर जो दिया गया है, फ्लिटेज कनेक्टिविटी, टेलीमेटिक, व्हीकल ट्रैकिंग, हेल्थ, फ्लिट रिपोर्ट, डे वाइज ट्रैकिंग, चार्जिंग स्टेटस, हिस्ट्री, बैटरी स्टेटस, ऐसी बहुत सारी जानकारी जो वो फ्लिटेज ऐप के माध्यम से इस गाड़ी के साथ मिलती है। गाड़ी में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम ऐसा फीचर जो वो देखने को मिलता है, ताकि आप जब भी गाड़ी चलाते हो एक ब्रेक पेडल प्रेस करते हो तब गाड़ी की बैटरी जो वो धीरे धीरे चार्ज होती रहती है। और ये गाड़ी का सबसे ज़्यादा यूज जो कुरियर, पार्सल, लॉजिस्टिक, ई कॉमर्स, FMCG या वाइट गुड्स एक्सेट्रा, यहाँ पर ये गाड़ी आप यूज़ कर सकते हैं और चला सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों, हमने ये गाड़ी जो हाईवे पर भी चला के देखी है, सिटी में भी चला के देखी है, और उबड़ खाबड़ रास्ते पे भी चला के देखी। गाड़ी का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी बढ़िया मिला, कोई भी दिक्कत हमें चलाने में देखने को नहीं मिली गाड़ी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने देखा यूनिक सेलिंग पॉइंट इस टाटा ACV के कौन कौन से दिए गए, बेनिफिट्स क्या है, फाइनेंस ऑप्शन भी काफ़ी सारे इस गाड़ी के ऊपर अवेलेबल है, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी फीचर भी इस गाड़ी में आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छी दी गई है टाटा ACV इलेक्ट्रिक में। उसी के साथ रेंज की बात करें तो रेंज भी आपको 150 किलोमीटर की रेंज मिलती है यहाँ पे देखने को इस गाड़ी के साथ, और रेंज भी काफ़ी अच्छी है, और सिटी यूज़ में ये आपको एकदम बढ़िया परफॉर्म गाड़ी जो है वो करती है। गाड़ी हमने चला कर भी देखी है और गाड़ी चलाने में कोई भी प्रॉब्लम जो है हमें देखने को नहीं मिला। उसके साथ दोस्तों, आपको पता है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का सर्विस नेटवर्क पूरे इंडिया में हर जगह सर्विस सेंटर अवेलेबल है, तो आपको सर्विस की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वारंटी ऑफर भी काफ़ी अच्छे दिए गए। इस वीडियो में आपको पता चला होगा कि टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की ACV इलेक्ट्रिक में क्या क्या बेनिफिट्स है, और आपके बिजनेस के लिए लेने के बाद आप फायदेमंद कैसे रह सकते हैं वो भी मैंने वीडियो में बताया, और आपको ये टाटा ACV इलेक्ट्रिक का वीडियो आपको आज का कैसा लगा और क्या क्या फीचर आपको इस गाड़ी में अच्छे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको आज का ये टाटा ACV इलेक्ट्रिक का वीडियो कैसे लगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगली गाड़ी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।